वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक साइंस है जो एटम्स के अंदर होने वाली तब्दीलियों को स्टडी करती है। इसमें एटॉमिक न्यूक्लियाई के बिहेवियर, उनकी इंट्रैक्शंस को स्टडी किया जाता है। जब किसी सब्सटेंस के का एटम टूट जाता है या अलग अलग सब्सटेंस के एटम्स मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा बात की जाए अहमियत की तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एटॉमिक एनर्जी को इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है, जो कि हमारे घरों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री रेडियोथेरेपी में भी इस्तेमाल होती है, जिसमें कैंसर के इलाज में मदद मिलती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में होता है। ये आइसोटॉप्स कैंसर सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एटम बॉम्ब्स बनाने में होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री पर्पज़ के लिए होता है। इसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यूरेनियम, तो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्लूटोनियम है, तो इसका इस्तेमाल एटम बॉम्ब्स के तैयार करने में होता है। और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को किस लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयोडाइन 131 जो कैंसर के इलाज में यूज़ किया जाता है। सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ज़रिए हम एटॉमिक पार्टिकल्स के दरमियान होने वाली तब्दीलियों को समझ सकते हैं। आई होप सो आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।